Welcome to Wheels since 2020. Before we start, please subscribe and press the bell icon. Everyone, and welcome to my channel Wheels since 2020. तो दोस्तों, इस वीडियो के टाइटल देख के आप लोगों दोस्तों पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे दोस्तों, इस बाइक की कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका अगर लुक आप लोग से कोई भी देखेगा तो इसे पहचान लेगा, इतनी ज़्यादा फेमस है ये बाइक इंडिया में। दोस्तों, यह आप लोगों का सुजुकी का हायाबुसा का जो अपडेटेड वर्ज़न है, जो कि 2021 में इसे रिवील किया गया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, इसके सारे स्पेसिफिकेशन, लुक्स वगैरह में क्या चेंजेस किए गए हैं, सारे सारे इसकी न्यू टॉप स्पीड है, वो सब कुछ के बारे में दोस्तों हम लोग कम्प्लीटली डिटेली बात करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरी तरह देखिए एंड एंड तक देखिए इस गाड़ी के हर एक डिटेल को जानने के लिए। दोस्तों, सुजुकी हायाबुसा का रिव्यू शुरू करने से पहले, अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं एंड दोस्तों पहली बार के लिए आए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे एंड ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप लोग देख सकें। एंड दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। सो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं इस गाड़ी का रिव्यू। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं गाड़ी के लुक के साथ। अगर दोस्तों लुक की बात करें, ये गाड़ी का फ्रंट है जो आप लोगों के स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले हो किया जा रहा है। ओवरऑल दोस्तों फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं एक न्यू अपडेटेड लुक दिया गया है। गाड़ी के हेडलाइट्स की डिज़ाइन को पहले से ज़्यादा एनहांस कर दिया गया है, ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है ये गाड़ी को। दोस्तों, गाड़ी में आप लोगों को फ्रंट में LED DRL यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को LED हेडलाइट एंड इंडिकेटर भी LED ही प्रोवाइड की जाती है। उसी तरह दोस्तों अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, तो दोस्तों साइड प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है। दोस्तों, साइड से भी गाड़ी काफ़ी ज़रा स्पोर्टी लगता है एंड लुक को भी पहले से ज़्यादा एनहांस किया गया है। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी और भी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है पुराने मॉडल के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो। ये ब्लैक कलर भी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस गाड़ी पर। दोस्तों, ये होगी गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में। अब दोस्तों अगर बात करें गाड़ी के रियर की, तो रियर लाइट भी देख सकते हैं आप लोग, रियर लाइट की डिज़ाइन भी पहले से सारा चेंज कर दी गई है। आपको जो रियर लाइट है वो LED टेल लाइट मिलता है एंड सारी साथ दोस्तों LED इंडिकेटर के साथ ही प्रोवाइड की जाती है ये आप लोगों को। एंड दोस्तों, गाड़ी के दोनों तरफ साइलेंसर प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि डुअल एग्जॉस्ट दिया गया है गाड़ी में आप लोगों को। दोस्तों, गाड़ी के फ्रंट में आप लोगों को डुअल डिस्प्ले दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। एंड दोस्तों, उसी तरह अगर गाड़ी के रियर की बात करें, रियर में भी आप लोगों को डिस्प्ले दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं ब्लैक ग्लॉसी एलॉय व्हील्स दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा एंड दोस्तों स्पोर्टी लगता है देखने में। इसके साथ साथ दोस्तों जो एग्जॉस्ट है साइलेंसर, उसमें आप लोगों को सिल्वर की फिनिशिंग दी गई है, क्रोम की फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं। ये सब दोस्तों चेंजेस किए गए हैं न्यू सुजुकी हायाबुसा 2021 मॉडल के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक न्यू अपडेटेड ओडोमीटर लुक मिलता है एंड काफ़ी सारे फीचर पहले से ज़्यादा आपको फीचर प्रोवाइड की जाती है इस ओडोमीटर में अगर कंपेयर करेंगे तो पुराने मॉडल से। सो दोस्तों, ये होगी गाड़ी के ओवरऑल लुक के बारे में। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको ये गाड़ी की लुक बहुत पसंद आया होगा। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है इस बाइक का लुक। ये दोस्तों हो गए लुक्स के बारे में। अब चलिए दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं चलिए गाड़ी के डायमेंशन के। अगर दोस्तों डायमेंशन की बात करें, तो दोस्तों इसका जो ओवरऑल लेंथ है वो है दोस्तों आप लोगों का 2180 mm, या फिर दोस्तों आप लोग कह सकते हैं 2.1 meter, या फिर दोस्तों 85.8 inch आप लोग कह सकते हैं इसका ओवरऑल लेंथ। एंड दोस्तों, इसकी ओवरऑल विड्थ की अगर बात करें, तो जो विड्थ है वो है दोस्तों
735 mm की इस गाड़ी की विड्थ है, या फिर दोस्तों आप लोग कह सकते हैं 73.5 सेंटीमीटर की विड्थ दोस्तों। एंड अगर इसकी हाइट की बात करें तो दोस्तों इसकी जो हाइट है वो है दोस्तों आप लोगों का 1165 mm की हाइट, या फिर दोस्तों 165 सेंटीमीटर की हाइट आप लोग कह सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर इसके व्हील बेस जो है उसकी अगर बात करें तो दोस्तों जो व्हील बेस है वो है दोस्तों आप लोगों का 1480 mm का व्हील बेस, यानी आप लोग कह सकते हैं 1.4 मीटर का व्हील बेस, जो कि आप लोगों का 58.3 इंच का। दोस्तों जो सीट हाइट आप लोगों को इस गाड़ी में प्रोवाइड की जाती है वो दोस्तों है आप लोगों का 800 mm का सीट हाइट, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि 80 सेंटीमीटर का सीट हाइट, या फिर दोस्तों 0.8 मीटर आप लोग कह सकते हैं, या फिर 31.5 सेंटीमीटर का सीट हाइट आप लोग इस गाड़ी का कह सकते हैं। दोस्तों ये एक स्पोर्ट्स बाइक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं सुपर स्पोर्ट्स बाइक आप लोग कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही ज़रा कम है, इसलिए दोस्तों इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है वो है दोस्तों आप लोगों का 125 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि आप लोग कह सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, या फिर आप लोगों का 4.9 इंच आप लोग कह सकते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड दोस्तों ये एक सुपर स्पोर्ट्स बाइक है, इसलिए दोस्तों इस गाड़ी का जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका जो कर्व वेट है दोस्तों वो है दोस्तों आप लोगों का 264 kg का कर्व वेट इस गाड़ी का। दोस्तों गाड़ी में आप लोगों को और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर शुरुआत करें गाड़ी के जो सस्पेंशन सिस्टम से, तो दोस्तों फ्रंट में जो सस्पेंशन सिस्टम आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है इस गाड़ी में वो है दोस्तों इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक कॉइल स्प्रिंग ऑयल डैम्प्ड सस्पेंशन सिस्टम। एंड दोस्तों जो गाड़ी के रियर में आप लोगों को जो सस्पेंशन सिस्टम प्रोवाइड की जाती है वो है दोस्तों आप लोगों का लिंक टाइप कॉइल स्प्रिंग ऑयल डैम्प्ड सस्पेंशन सिस्टम। काफ़ी अच्छी रहती है सस्पेंशन सिस्टम आप लोगों के लिए ऑफ रोडिंग ये सब के लिए सुटेबल आप लोग है। सारी सारी दोस्तों ये स्पेशली आप लोगों का रेसिंग ट्रैक के लिए बनाई गई है। ये सस्पेंशन सिस्टम आप लोगों को एक कम्फर्टेबल राइडिंग पोस्चर के साथ प्रोवाइड की जाती है। लॉन्ग राइड के लिए भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। दोस्तों अगर आप लोग गाड़ी के जो टायर है उनकी बात करें तो दोस्तों फ्रंट का जो टायर मिलता है आप लोगों का वो आप लोगों को 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। साथ ही साथ रियर में जो व्हील्स मिलते हैं वो भी आप लोगों को 17 इंच के मिलते हैं, ब्लैक ग्लोसी एलो व्हील्स के साथ। ट्यूबलेस टायर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है इसमें। दोस्तों जो फ्रंट का टायर है वो आप लोगों का 120 mm वाइड है, या फिर आप लोग कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर वाइड है। दोस्तों इसका साइज है 120x70 ZR17। एंड दोस्तों जो रियर टायर है वो आप लोगों का 190 mm वाइड है, या फिर दोस्तों आप लोग कह सकते हैं 19 सेंटीमीटर वाइड है। दोस्तों इसका जो टायर का प्रोफाइल है वो है दोस्तों 190x50 ZR17। ये दोस्तों हो गई इस गाड़ी के टायर्स के बारे में। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के जो ब्रेक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बारे में। दोस्तों जो गाड़ी के ब्रेक्स आप लोगों को इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आप लोगों का फ्रंट ब्रेक है, फ्रंट में आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं कि ड्यूअल डिस्क ब्रेक मिलता है, जिन्हें दोस्तों दो डिस्क प्रोवाइड किया जाता है, 4 पिस्टन ट्विन डिस्क ब्रेक विद ABS सिस्टम के साथ आप लोगों को फ्रंट में प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों फ्रंट का जो डिस्क है उसके साइज़ के बारे में बात करें तो वह है दोस्तों आप लोगों का 290 mm डायमीटर का डिस्क साइज। एंड दोस्तों जो रियर में आप लोगों को डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है उसका साइज है 250 mm डिस्क साइज, 290 mm यानी कि 29 सेंटीमीटर, 250 mm यानी कि 25 सेंटीमीटर का डिस्क साइज का आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है इस गाड़ी में। दोस्तों अगर इसके फीचर एंड सेफ्टीज की बात करें, दोस्तों इसमें आप लोगों को ABS प्रोवाइड किया जाता है, डुअल चैनल ABS, एनालॉग स्पीडोमीटर दोस्तों आप लोगों को इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है,
एनालॉग टैकोमीटर प्रोवाइड किया जाता है, डिजिटल ओडोमीटर प्रोवाइड किया जाता है, डिजिटल ट्रिप मीटर प्रोवाइड किया जाता है, डिजिटल कंसोल प्रोवाइड किया जाता है, एनालॉग एंड डिजिटल दोनों मिला के प्रोवाइड किया जाता है, डिजिटल क्लॉक प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों आप लोगों को, एडजस्टेबल विंड स्क्रीन, पैसेंजर फूट रेस्ट, ये सब कुछ दोस्तों आप लोगों को सेफ्टी एंड फीचर्स के थ्रू इसमें प्रोवाइड किया जाता है इस गाड़ी में। एंटायर कंसोल स्पीडोमीटर कंसोल, उसमें दोस्तों आप लोगों को लो ऑयल इंडिकेटर की वार्निंग, लो फ्यूल इंडिकेटर की वार्निंग, पैरल लैंप्स की वार्निंग, साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को आपकी सर्विसिंग की वार्निंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर, ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोगों को उसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ एक चार्जिंग सॉकेट भी आप लोगों को इस गाड़ी में प्रोवाइड की जाती है। ये होगी दोस्तों इस गाड़ी के ओडोमीटर की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स। दोस्तों अगर इस गाड़ी के कुछ और ख़ास फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को इसमें SIRS यानी कि सुजुकी इंटेलिजेंट राइड सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों इसमें आप लोगों को SDMS फॉर स्मार्टर एंड श्योर राइडर के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो SDMS के यानी कि आप लोगों का सुजुकी ड्राइव मोड सिलेक्टर जो है आप लोगों का प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ आपको गाड़ी में IMU इंटरशील मेजरमेंट यूनिट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे फीचर रहते हैं, जैसे कि पावर मोड सिलेक्टर, आप लोग इसे मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, रेसिंग मोड, ट्रैक मोड या नॉर्मल मोड, इको मोड। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को इसमें एंटी लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है सेफ्टी के लिए। इसके साथ साथ बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, इंजन ब्रेक कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, मोशन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। ये सब सिस्टम दोस्तों आप लोगों को इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है फॉर बेटर राइडिंग के लिए एक्सपीरियंस के लिए। इसके साथ साथ आपको लॉन्च कंट्रोल सिस्टम गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है, एक्टिव स्पीड लिमिटर प्रोवाइड किया जाता है, क्रूज कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, मोशन ट्रैक ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है आपको इस गाड़ी में। इसके साथ साथ हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है आपको इस गाड़ी में। ये सब फीचर दोस्तों आप लोगों को कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एंड दोस्तों अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी का सबसे मेन चीज़ जो होता है गाड़ी का दिल आप लोग कह सकते हैं, होता है एक दोस्तों एक गाड़ी का इंजन। अगर इसके इंजन के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें जो इंजन आप लोगों को दोस्तों जो प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से, वह दोस्तों आप लोगों का 4 स्ट्रोक BS6 1.4 लीटर का इंजन, या फिर दोस्तों एग्जैक्टली बात करें 1340 cc का इंजन है ये आप लोगों का। दोस्तों आप लोगों का 4 स्ट्रोक इंजन है दोस्तों, ये जो इंजन है आप लोगों का, ये आप लोगों का कंप्रेशन रेशियो के साथ प्रोवाइड किया जाता है 12:5:1। दोस्तों इसमें जो बोर होता है वो आप लोगों को 81 mm का है, एंड जो स्ट्रोक है वो 65 mm का है इस गाड़ी का। दोस्तों अगर ये आप लोगों को सिर्फ स्टार्ट सिस्टम के साथ प्रोवाइड किया जाता है, एंड दोस्तों ट्रांसमिशन सिस्टम जो आप लोगों को इसमें प्रोवाइड किया जाता है वो दोस्तों है आप लोगों का 6-speed कॉन्स्टेंट मेश ट्रांसमिशन सिस्टम। एंड दोस्तों लुब्रिकेशन के लिए आप लोगों को वेट शंप लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है इस गाड़ी में। दोस्तों हो गई इसके इंजन के बारे में। अगर इसके इंजन जो आउटपुट जो प्रोवाइड करता है यानी कि जो पावर अगर वो इसके बात करें तो वो है दोस्तों आप लोगों का 190 PS का पावर। दोस्तों 190 PS का पावर प्रोवाइड करता है एट 9700 RPM में। एंड दोस्तों जो टॉर्क प्रोवाइड करता है वो है दोस्तों आप लोगों का 150 Nm ऑफ टॉर्क एट 7000 RPM। दोस्तों इसमें आप लोगों को 4 सिलेंडर्स रहते हैं। एंड दोस्तों ये जो न्यू बाइक है अगर इसके टॉप स्पीड की बात करें तो दोस्तों अबव 300 आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, जो पुराने वाला था वो नियरली 300 प्रोवाइड करता था।
या फिर वो आप लोग कह सकते हो 186 माइल्स पर आवर की टॉप स्पीड प्रोवाइड करता था जो पुराना वाला, ये उससे ज़्यादा प्रोवाइड करेगा आप लोगों को। थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा दी गई है, आप लोग नियरली 300 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी की टॉप स्पीड होने की। एंड दोस्तों जो इसकी फ्यूल टैंक है, जी दोस्तों इसके जो फ्यूल टैंक है वो आप लोगों को दोस्तों जो प्रोवाइड किया जाता है वो है दोस्तों आप लोगों का 20 लीटर का फ्यूल टैंक, जिसमें आप लोगों को दोस्तों रहता है इसमें 3 लीटर रिजर्व फ्यूल। एंड दोस्तों जो माइलेज इसकी क्लेम की जाती है, अगर आप लोग एवरेज एक 40 या 50 की स्पीड में चलाएंगे कंटिन्यूसली, तो वो होगा दोस्तों आप लोगों का 10 के आसपास। अगर आप लोग इसे ट्रैक मोड या रेस मोड में चलाएंगे तो इसकी जो माइलेज हो जाएगी वो दोस्तों नियरली आप लोगों को 4-5 के आसपास मिलेगी, या फिर उससे भी कम हो सकती है सिचुएशन के हिसाब से। दोस्तों ये हो गया इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। अब दोस्तों वक्त आ चुका है कि इसके जो कलर्स हैं उसके बारे में बात करें। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को 3 कलर का ऑप्शन रहेगा। एक दोस्तों आप लोगों का ग्लास स्पार्कल ब्लैक, या फिर आप लोग कह सकते हैं कैंडी बंट गोल्ड, ये दोनों इसी का नाम है। इंडिया में कौन से नाम से ये लॉन्च करेगा इसमें कलर को आप लोग देख सकते हैं, आपके कलर में आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले किया गया है ये वाला कलर है। दूसरा है दोस्तों आप लोगों का कैंडी डेयरिंग रेड, ये या फिर आप लोग कह सकते हैं मेटालिक मैट सोर्ड सिल्वर, ये दोनों भी एक ही कलर का नाम है। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड कलर है वो है आप लोगों का पर्ल ब्रिलियंट वाइट, या फिर दोस्तों आप लोग कह सकते हैं मेटालिक मैट स्टेलर ब्लू, ये प्योरली वाइट कलर है सिर्फ ब्लू लाइनिंग के साथ। ये 3 कलर आप लोगों को इस गाड़ी में प्रोवाइड की जाती है। सो दोस्तों ये हो गए इस गाड़ी के कंप्लीट डिटेल्स, सब कुछ आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया है, सारे स्पेसिफिकेशन इसके सारे लुक्स वगैरह के साथ इंजन स्पेसिफिकेशन सब कुछ। अब दोस्तों बाकी है सिर्फ इस गाड़ी का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है एंड इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में बताने की, वो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में ज़रूर बता दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग इस गाड़ी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ छूट गया है, तो वो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। सारे साथ दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट में ये बताएं कि ये गाड़ी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को ये गाड़ी कैसा लगा। एंड दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ये भी बताएं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। एंड दोस्तों अगर आप लोग किसी और गाड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इस गाड़ी का रिव्यू वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपने चैनल में ज़रूर डाल दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस एंड सर्विस कॉस्ट के बारे में, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुंचती रहे। एंड दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लीजिएगा। सो दोस्तों सबसे पहले चलिए बात करते हैं इसके सर्विसिंग कॉस्ट या फिर दोस्तों इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। तो दोस्तों एक एवरेज सर्विसिंग कॉस्ट या फिर जो मतलब नॉर्मल सर्विसिंग है आप लोग कह सकते हैं, उसकी कॉस्ट आप लोग ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर में नियरली 10,000 के आसपास इसकी हो जाएगी। जी दोस्तों 10,000 के आसपास इसकी सर्विसिंग कॉस्ट हो जाएगी जो मिनिमम है। एंड दोस्तों जो मेजर सर्विसिंग वगैरह है, जो थर्ड सर्विसिंग होता है या फिर दोस्तों 30,000 किलोमीटर के पार होता है, उसकी कॉस्ट नियरली आप लोगों को 15,000 से 20,000 के अंदर हो जाएगी मेजर सर्विसिंग की कॉस्ट। सो दोस्तों ये हो गई इस गाड़ी के सर्विसिंग के बारे में। अगर इसके प्राइसेस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके जो एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइसेस है वो है दोस्तों आप लोगों का 15 लाख, या फिर दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि 15 लाख रुपये ये इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक शोरूम प्राइस ऑन रोड के लिए आप लोग मिनिमम 17 लाख के आसपास तक ही आप लोगों को ऑन रोड में हो सकता है। सो दोस्तों ये हो गए इस गाड़ी के कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सब कुछ दोस्तों मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर कुछ छूट गया हो तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा।
तो दोस्तों वक्त आ चुका है कि इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन दोस्तों एंड करने से पहले, लोग हमारे चैनल पर नए हैं एंड दोस्तों पहली बार के लिए आए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुँचती रहे। एंड प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिटेल था आप लोगों के लिए। जैसे इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, वैसे ही दोस्तों मैं आपको इस गाड़ी का हर एक डिटेल फिर से कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। एंड दोस्तों अगर आप लोग किसी और गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस गाड़ी का रिव्यू वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपने चैनल में ज़रूर डाल दूंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।